हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और मेरे चैनल सीआरके रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं आलू और अरबी की रेसिपी बनाने वाली हूं बिल्कुल नए तरीके से। सो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो अरबी ली है और चार मैंने आलू लिए हैं। टमाटर मैं एक मीडियम साइज का लूंगी और मैंने इसके लिए हरी मिर्ची ली है चार। मैं इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आलू को कट कर लूंगी छील के। इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में ही कट करूंगी, ज़्यादा मोटे ना पतले, बिल्कुल मीडियम साइज का मैं इसे कट करूंगी। सो देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है और धो के रख लूंगी। और अब मैं अरबी को भी छील लूंगी, उनको भी मैं जैसे मैंने आलू के स्लाइसिस कट किए हैं वैसे ही मैं अरबी को भी कट कर लूंगी। सो देखिए इस तरीके से आप कट कर लें इसको और इनके भी स्लाइसेस आप मीडियम ही रखें। देखिए इस तरीके से मैं पतले पतले स्लाइसेस की कट कर लूँगी क्योंकि आलू को अरबी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इस तरीके से आप इसको काट लें और फिर हम अब देखिए मैंने आलू को और अरबी को इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। सो चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। सो चलिए हम चलते हैं अब फ्राई करने के लिए। ये कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए, गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें चॉप्ड अरबी इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले अरबी को फ्राई करेंगे क्योंकि अरबी को पकने में टाइम लगता है, इसे फ्राई होने में टाइम लगता है, गलने में ये थोड़ा टाइम लेता है। सो इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि थोड़ा सा ये गलनाना शुरू हो जाए। हमें उस तरीके मतलब जब तक कि थोड़ा सा गलने लग जाए उस तब तक हमें इसको फ्राई करना है। सो देखिए जब इसे गलने लग जाता है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी इसका वाइट है तब ये थोड़ा क्रीम कलर का हो जाएगा। सो देखिए इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लें। फ्राई अरबी जो होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है और रेसिपी भी इसकी बहुत टेस्टी बनती है। और अरबी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है। सो देखिए इस तरीके से आप इसे निकाल लें, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये उतनी फ्राई हो चुकी है जितनी कि मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए। सो देखिए इस तरीके से आप फ्राई कर लें इसको। और अब मैं इसके बाद में आलू को फ्राई करूंगी जो मैंने कट करके रख लिए थे। सो देखिए इस तरीके से आप आलू फ्राई कर लें। जब रेसिपी को बनाते हैं ना तो पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी अरबी है और कौन सा आलू है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दोनों। पर ये दोनों जब सब्जी हम इसकी बनाते हैं तो बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। पर जो पराठे रहते हैं ना उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं उसके साथ में। सुबह सुबह नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हैं, दोपहर के खाने में भी आप इसे खा सकते हैं और रात के खाने में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं अब इस तरीके से। बस थोड़ा सा ही कलर चेंज आने तक ही मैंने इनको फ्राई किया है। सो अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। हींग मैं इसमें 1 पिंच ऐड करूंगी जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। सो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, हींग मैंने ऐड कर दी है और मैं इसमें अजवाइन डालूंगी 1/2 टेबलस्पून। सो इस तरीके से आप इसमें डालें, अरबी की सब्जी में अजवाइन जरूर डालें क्योंकि उससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड ग्रीन चिलीज और टमाटो का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसे पका लेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब मैं मसाले ऐड करूंगी, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च में इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, लाल तीखी वाली मिर्ची भी 1/2 टेबलस्पून ऐड करूंगी, गरम मसाला मैं इसमें 1/4 डालूंगी, नमक मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से आप इसे चला लें, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आता है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू भी आ रही है। सो देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून, इससे उसका फ्लेवर जो है रेसिपी का बहुत ही यमी आएगा। सो अब हम इसमें फ्राइड आलू और अरबी दोनों ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे, मसाले की कोटिंग कर देंगे। सो देखिए इस तरीके से आप कर लें, बहुत ही बढ़िया बनती है रेसिपी। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे जो थोड़ा बहुत इसमें गलने की होगी सब्जी वो गल जाएगी। और देखिए ऑयल हमारा इसमें दिख रहा है, सेपरेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। सो देखिए रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। वाओ देखिए कितनी बढ़िया ये रेसिपी बनी है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यमी बनी है और इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया सी आ रही है। सो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो
फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है बिना प्याज बिना लहसुन के। सो आप भी जरूर ट्राई करें इसे एक बार, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए।